नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं रोहित जुगलान, मेरे साथ हैं अपूर्व मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर को लेकर जिस पे अब से कुछ दिन पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि बेन स्टोक्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सर्टेन नहीं लग रही हैं, श्योर नहीं लग रही हैं, क्योंकि वो निजी कारणों की वजह से, खासतौर पर जिनमें उनके पिता का नाम आ रहा है, उनके लिए वो न्यूजीलैंड जा रखे थे। आपको पता है कि वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, लेकिन वो रहने वाले न्यूजीलैंड के हैं और उनकी पैदाइश भी न्यूजीलैंड की ही है। तो बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड में थे और इस बीच अपूर्व लगातार हम ये खबरें दे रहे थे, जो आपने भी बताई थी, खबर ब्रेक की थी कि उनके कोच ने, शायद मैकडोनल्ड, उनके कोच का नाम था एंड्रू मैकडोनल्ड, उन्होंने कहा था कि जब तक उनकी तरफ से पहली प्रतिक्रिया नहीं आती है पूरे के पूरे मसले पे कि वो आईपीएल में आ रहे हैं या नहीं, हम अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब आज जो निश्चित तौर पर आप एक और तस्वीर निकाल कर लाए हैं कि बेन स्टोक्स ने एक फोटो डाली है और उसमें उन्होंने दो बैट जो है वो रख रखे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ही इज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस कि भाई अगर आप मेरे बारे में यू नो एक बिल्डअप कर रहे हो, परसेप्शन बना रहे हो, तो रुक जाओ, मैं आने के लिए तैयार नजर आ रहा हूँ। इसमें पूरी श्योरिटी नहीं है कि वो आईपीएल के लिए एक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, जो आप लोग हमारे इस चैट के दौरान देख भी रहे होंगे। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है और कि हम कहते हैं कि आप एक तस्वीर हजार शब्दों से ज्यादा बोल देती है। बिल्कुल। तो उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है ना, उसमें बड़ा मैसेज है। बड़ा मैसेज ये है क्योंकि सभी ये मान कर चल रहे थे कि शायद ये आईपीएल वो मिस कर देंगे। कोच ने ही ये बोला कि अभी हम सशंकित हैं, उनको आशंकित हैं उनकी वापसी को लेकर और हम खुद से उन्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो हम सभी ये मान रहे थे कि राजस्थान रॉयल्स को शायद ये सीज़न बेन स्टोक्स के बिना ही खेलना पड़ेगा, लेकिन बेन स्टोक्स ने ये तस्वीर शेयर करके बता दिया है कि वेट, अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी आ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको एक फ्लाइट पकड़नी है और बस आप 24 घंटे लंबी फ्लाइट होगी। लेकिन हाँ, लंबी फ्लाइट होगी न्यूजीलैंड से, अगर आपको दुबई आना है तो सोचिए आपको ये तकरीबन 17 से 18 घंटे तो हाँ। जब आप बॉम्बे से क्राइस्टचर्च जाते हैं तभी आपको लग जाते हैं, तो ये थोड़ी और लंबी, एक दो घंटे आप और ऐड कर लीजिए और बिना किसी स्टॉप ओवर के अगर होगी तो जाके हम ये ड्यूरेशन बता रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भी बेन स्टोक्स चाहेंगे वो एक दिन बाद पहुंच सकते हैं यूएई और उसके बाद बस 6 दिनों। और न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोरोना केसेस का उतना ज्यादा एक वो नहीं है, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंटेनमेंट जोन नहीं है वो, तो इस तरह से भी उनको थोड़ी सी छूट भी इसको लेकर के मिल सकती है। लेकिन बड़ी खबर ये राजस्थान रॉयल के फैंस के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है, आईपीएल के लिए है, यार क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि बेन स्टोक्स एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको हर कोई खेलता हुआ देखना चाहता है। अगर वो खेलते हैं तो वो एक साइट होती है देखने के लिए। तो आपको कैसी लगी ये खबर हमें बताना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक संदेश देने की कोशिश की है बेन स्टोक्स ने। वो आएंगे या नहीं इस पर अभी भी संशय बरकरार है, लेकिन ये तस्वीर बहुत पॉजिटिव एक नोट पे ख़त्म करती है इन सारी चीज़ों को। तो बताइएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पूरे आईपीएल में यहीं बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।